वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी बज रहा है, घड़ी बंद हो गई है, 7:57 हो रहा है और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। ये देखो, और आज मैंने ये वाला कुर्ता डाला है। इसको मैंने मीशो से बाय किया था। आपको लिंक अगर चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही अच्छा है और इसमें इस तरह के वर्क किए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसके नीचे प्लाजो है रेड कलर का, बट मैंने पटियाला पहन रखा है क्योंकि प्लाजो में थोड़ी सी परेशानी होती है, उलझता है और बाहर मिट्टी का आंगन है ना, तो उसमें गंदगी लग जाती है। तो जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो प्लाजो यूज़ करती हूँ, वरना घर में मैं पटियाला या फिर लेगिंग्स यूज़ कर लेती हूँ या फिर पैंट। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ। पहले मैं फटाक से पूजा कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और आज नवरात्रि का डे 2 है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मंदिर में जो कलश स्थापना वगैरह होता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उस टाइम पर मैं थोड़ा सा बिजी थी और इस वजह से मैंने कल का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। बट आज से मैं कोशिश करूंगी कि डेली 9 डेज का जो ब्लॉग है वो जरूर जाए। तो आज मेरा डे 2 है और अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ साथ में। और कल मैंने अपने रूम का ये सारा कर्टन वगैरह वॉश करा था, तो इसलिए मतलब वो सब क्लीनिंग करते करते और कलश स्थापना ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग कल नहीं की थी। तो आज प्रॉपर स्टार्ट किया है मैंने व्लॉगिंग करना। तो पिछले साल मेरे व्रत हुआ करते थे, बट इस साल मैंने व्रत नहीं रखा है क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कुछ लास्ट डेज में। इस वजह से नेक्स्ट ईयर मैं वापस इसको कंटिन्यू करूँगी, बट इस ईयर मैंने इसको ड्रॉप कर रखा है। बट पूजा तो करना है, तो चलिए आरती और दुर्गा चालीसा के साथ पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए आपको भी मंदिर लेके चलती हूँ। और आज मैंने ये वाला बेडशीट हटाया है क्योंकि इसमें बहुत गंदगी हो रखी थी। एक्चुअली कल बारिश हुई थी और गुरु अपने मिट्टी वाले पैर से इस पर चढ़ गई थी, इसलिए मुझे फिर से हटाना पड़ा, वरना कल तो मैंने सारा कुछ ऑलरेडी वॉश कर रखा था। तो ये सारा आज बेडशीट उठाया है, इसको धुलने में डालना है और अभी चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए और अब पूजा की सारी जो विधि होती है एक एक करके स्टार्ट करेंगे। और मैंने इस बार हमने अपना दुर्गा जी की स्थापना यहाँ पर की है, भोले बाबा का जो मंदिर है उसके जस्ट सामने की तरफ, और यहीं पर हमने कलश स्थापना भी किया है। डेली हमारे यहाँ यहीं पर ही कलश की स्थापना होती है। तो ये देखो मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया है, जो भी पूजा का प्रोसेस होता है वो सब हम पहले कर लेंगे फिर हम आरती करेंगे। तो ये देखो टीका सिंदूर लगा दिया है माता को और फिर अपने खुद को भी लगा लिया, जल वगैरह और फूल दिया वगैरह जला लेंगे। और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान होता है ना, वो मैं चढ़ाना कल मैंने कल नहीं चढ़ाया था इसीलिए आज मैं लेके आई थी, तो वो भी मैं चढ़ा लूँगी। तो बारी बारी से सब कुछ करेंगे, जल दे दिया, उसके बाद टीका कर लिया और उसके बाद फिर फूल चढ़ा लिया। और ये घी का दीपक जलाएंगे हम, यहाँ पर ही हमने सब कुछ रख रखा है, जो घी का कंटेनर है वो भी और दीपक लगाया है हमने यहाँ पर। और साथ ही में सारे पूजा की विधि जो भी होती है वो सब करने के बाद और मैं इसके बाद आरती करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये पूजा का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और ये देखो अभी मेरा ये सारा पूजा का विधि हो गया है और अब मैंने कैमरा थोड़ा सा जूम करके और उसके बाद मैं श्रृंगार का सामान लेके आई थी, इसको भी मैंने माता के चरणों में चढ़ा दिया है। और उसके बाद एक्चुअली हम अष्टमी को भी चढ़ाते हैं, बट आज भी चढ़ाना था तो मैंने चढ़ा दिया, स्टार्टिंग दिन में चढ़ाते हैं। ये वाला जो है वो हम घर पे यूज़ करेंगे, मैं खुद यूज़ करूँगी, और अष्टमी के दिन जो जो चढ़ाऊँगी वो पंडित जी को दान में दे दूँगी। तो ये देखिए चढ़ा दिया है यहाँ पर और अब मैं आरती स्टार्ट करूँगी। तो ये है दूसरे दिन का पूजा जो माँ शैलपुत्र
नवरात्रि का पहले दिन का पूजा होता है और ये माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा है आज दूसरे दिन का। पहले दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, आज दूसरे दिन से मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है। तो बस सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस दिया जलाना है और आरती स्टार्ट करूँगी अभी। तो बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। नमो नमो दुर्गे सुखकर्मी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, त्रिलोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल पुत्री विकराला, रूप मात को अधिक सुहारे, दरस दर्प जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेना, पालन हेतु अन्य धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, सुखयोगी तुम रे, बोले प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। जय अम्बे माता, जय काली माता, जय वैष्णव, सर्व देवी देवता की जय, जय सरस्वती माता, जय माता तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पूजा ख़त्म हो गया है पूरे विधि विधान से। जो भी मेरा पूजा होता है वो मैंने कर लिया है, सारा जो विधि होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आरती भी कर ली है और दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिया है। और अभी शीश झुकाकर माँ के सामने अपना जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी और जो पूजा किया है उनसे जो प्रार्थना करना होता है वो सब कर लिया है मैंने। और अब गाँव की कुछ लेडीज़ आई हुई हैं, वो डेली आएंगी अभी 9 दिनों तक, तो मम्मा उनको पाठ पढ़कर सुनाती है। तो यहाँ पर उन लोगों का पूजा स्टार्ट हो गया है और आज है मंगलवार, तो इसलिए मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर खड़ा होकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और इस तरह मेरा पूजा ख़त्म हो गया है। और अब मैं अक्कू को स्कूल लेके जाना है, उसको रेडी करना है और फिर उसको स्कूल छोड़ कर आऊँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।